वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो गाइस आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, भुवनेश्वर में एक मेला लगा हुआ है जो कि हमेशा आता है, बट बहुत पहले से आता था बट अभी कुछ दिनों से बंद हो गया था। सो गाइस अगेन आया, इसका नाम है तोसली मेला। तो चलिए चलते हैं अंदर एंड क्या क्या मिल रहा है, क्राफ्ट वगैरह देखते हैं एंड कौन से प्राइस में अवेलेबल है तो आप लोगों को बताती हूँ। तो यार गाइस ब्लॉग में बने रहिए एंड चलिए चलते हैं अंदर। तो गेट दिस, इसका एम्बियंस। तो चलिए चलते हैं अंदर। एटा कौन जगह रे? जनता मैदान। तो गाइस ये जो तोसली मेला है वो जनता मैदान में है, तो आप लोगों को दिख रहा होगा लाइक कितना भीड़ है एंड पार्किंग में देखिए कितना सारा बाइक रखा हुआ है ऑलरेडी। तो मैं ये मेला आप यहाँ से एक चोरी भी कर सकते हैं, ऐसा मेरा भाई बोल रहा है। तो चलिए चलते हैं अंदर एंड फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। गाइस लुक एट दिस, फाइनली हम लोग आ चुके हैं अंदर और मैं आप लोगों को बस डिटेल में तो नहीं दिखा सकती क्योंकि ये बहुत बड़ा है, बस बाहर बाहर से दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए लाइक ओरिसा का सब ड्रेसेस वगैरह आया है, हर एक प्रिंट का, हर एक वैरायटीज का मिल रहा है। तो यहाँ पे संबलपुरी पैटर्न का है, ये देख लीजिए। बस आप लोगों को मैं आउटडोर व्यू करके दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत ही बड़ा प्लेस में ये लोग कवर आउट किए हैं, जो कि हर एक चीज़ को कवर करना बहुत टफ है। तो लुक एट दिस, जैसे आप एंटर करेंगे लाइक यहाँ पे बहुत पैटर्न का ड्रेसेस मिल रहा है, बरबाली, बरगढ़, सुंदरगढ़, मतलब जो जो लाइक ओडिशा का जो भी प्लेसेस वगैरह है वो लोग आए हैं। एंड ये देख लीजिएगा, जनता मैदान भुवनेश्वर में है, लोकेशन यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। तो चलिए अब चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है। सो गाइस लुक एट दिस एंड मतलब ऑलमोस्ट हर जगह में सेम ही है, लाइक मोस्टली ड्रेसेस है और साड़ीज, कुर्ती, ये सब है। ये सब देख लीजिए, बेडशीट वगैरह भी मिल रहे हैं यहाँ पे, ये देख लीजिए। और फिर इधर जाएंगे तो ये दोनों तो आगे आगे चल रहे हैं और यहाँ पे वही उत्तर प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, अलग अलग जगह से सब कुछ आया हुआ है, ये देख लीजिए। और यहाँ पे भी मोस्टली संबलपुरी मुझे तो अब तक वही दिख रहा है, तो देखते हैं करेंगे शॉपिंग जहाँ पे। लुक एट दिस, यहाँ पे भी साड़ी वगैरह मिल रहा है एंड यहाँ पे मिट्टी का मूर्ति सब मिल रहा है, ये देख लीजिए। एंड यहाँ पे कुछ क्राफ्ट वगैरह है और फिर यहाँ पे जो क्राफ्ट मिलता है ये देख लीजिए, लाइक यहाँ पे बैठने के लिए चेयर है, ये सब बैम्बो का हैंडक्राफ्ट है। लुक एट दिस एंड गाइस जिधर भी जाएंगे लाइक मुझे हर जगह पे वही दिख रहा है कि मतलब ड्रेसेस है, मोस्टली सब ड्रेसेस है। एंड लुक एट दिस, बलून्स और सब लोग, कितना भीड़ है गाइस आप लोगों को दिख रहा है, पूरा जहाँ देखो भीड़ है क्योंकि बहुत बड़ा एरिया कवर अप हो चुका है। गाइस आज का वेदर काफ़ी अच्छा है और लाइक इतने बड़े मैदान में लाइक मेला लगाना, तो सब कुछ चीज़ों को प्रॉपरली एक्सप्लोर करना इट्स नॉट ईजी थिंग। तो वैसे जितना हो पा रहा है मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ, लाइक आप जैसे ही एंटर कहीं रहेंगे ना आप लोगों को बहुत सारे ड्रेसेस देखने को मिल जाएगा, मोस्टली संबलपुरी और जो भी प्रिंट वगैरह है वो सब मिल जाएगा। ड्रेस का एक लाइक स्टॉल है उधर, जैसे ही आप एंटर करेंगे देन गाइस उसके बाद आप अगर इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर पूरा लाइक फूड का स्टॉल बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं फूड का कौन सा स्टॉल लगा है। एंड गाइस बेसिकली ना भुवनेश्वर में अभी लाइक जो हैंडलूम मेला राउकला में अपना है वो भी आने वाला है, बट अभी तक आया नहीं है, वो भी जल्दी आएगा। एंड ये आई गेस कुछ अप्रैल का कुछ दिन तक रहने वाला है, मुझे इतना कुछ डिटेल में नहीं पता। तो फूड स्टॉल में भी क्या क्या है वो सब दिखाती हूँ। जस्ट लुक एट दिस, यहाँ पे सारा फूड स्टॉल है, सब लोग बैठ के खा रहे हैं यहाँ पे, लाइक तंदूरी, ग्रीन चिली, बिरयानी और मांडिया पोड़ोपिठा, लाइक सब कुछ मिल रहा है। और यहाँ पे भी बिरयानी है और फिर उधर देखते हैं क्या क्या मिल रहा है। और यहाँ पर आग बुझाने का गाड़ी भी है। यहाँ पे ब्लॉग बना रही थी तो जैसे कि आप लोगों को पता है मेरे एक फ्रेंड जिनका नाम है मंटू पाड़ी, वो मेरे लिए लाइक एक पोर्ट्रेट बनाए थे, तो यहाँ पे वो मेरे को अभी देने आया है। तो रुके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। एंड गाइस उनका एक यूट्यूब चैनल है तो प्लीज उनको हेल्प करना, सपोर्ट करना, मैं उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो गाइस लुक एट दिस, देखिए बहुत ही प्यारा है और इनका एक यूट्यूब चैनल है, सो प्लीज गाइस सपोर्ट इनको भी करना, इनका लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो थैंक यू। देख लीजिए बालेश्वर का आई गेस खासी मतलब फेमस मूढ़ी मांगसा एंड खासी मांगसा चौकोड़ी सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे। अनम है कदोड़ी चाट हाँ खा एंड गेस यहाँ पे देख ली मुखाई भी, तो मैंने खा स्पेशल कुल्फी वगैरह मिल रहा है यहाँ पे, लाइक मतलब हर जगह का जो भी फूड स्टॉल है ना जो स्पेशल वो सब है यहाँ पे। कुछ व्यंजन है आई गेस कुछ ओडिया फूड होगा, मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो और दिखाते लाइक यहाँ पे और क्या क्या है, नॉर्मल पिज्ज़ा हट और सब कुछ का स्टॉल लगा, मतलब जो भी अपना उड़ीसा का फेमस चीज़ है लाइक फूड से लेके क्लोथ तक सबका स्टॉल लगा हुआ है, ये देख लीजिए। दिस यहाँ पे लाइक चांदो वगैरह टाइप का बैग्स मिल रहा है और कुशंस वगैरह है यहाँ पे, राजस्थानी प्रिंट का साड़ी वगैरह मिल रहा है और यहाँ पे भी लाइक चप्पल वगैरह है और यहाँ पे अगेन स्लीपर्स है। एंड गाइस लुक एट दिस,
ये भी काफ़ी प्यारा लग रहा है। यहाँ पे सारा बैग्स, यहाँ पे देखिए साड़ी वगैरह मिल रहा है। प्राइस वगैरह गाइस मैं नहीं पूछ सकती क्योंकि काफ़ी भीड़ है, सब लोगों को डिस्टर्ब होगा, इसलिए मैं बस आप लोगों को बार बार से जितना पॉसिबल हो रहा है सब कुछ ब्लॉक करके दिखा दे रही हूँ, दैट कि आप लोगों को थोड़ा ब्रीफ में समझ में आ जाए कि यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। मोस्टली गाइस मुझे जहाँ तक देखने को मिल रहा है सब यहाँ पर ड्रेसेस ही है, मोस्टली ड्रेसेस, शूज़ एंड क्राफ्ट। एंड गाइस ये सारा सब कुछ हैंडमेड है, ऐसे लोग बोलते हैं, आप मुझे तो आइडिया नहीं है। गाइस लुक एट दिस, ये सब वुडन से बनाया गया है पूरा। लुक एट दिस, यहाँ पे अगेन चिकनकारी कुर्तीज़ है और यहाँ पे भी लाइक वो वुडन का सामान सब मिल रहा है और यहाँ पे भी है देख लीजिए, और लाइक यहाँ पे साड़ीज़ है और मैं क्या दिखाऊँ, लाइक मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अलग क्या ही है, सब कुछ जो जो था वही सब है, ऐसा कुछ अलग से नहीं कि मैं आप लोगों को कुछ अलग डिफरेंस सा दिखाऊँ। एंड यहाँ पे देखिए विंड चाइम सब मिल रहा है और ईयरिंग्स वगैरह है, ऐसे देख लीजिए यहाँ पे भी वुडन का कुछ सामान वगैरह मिल रहा है। एंड ये सब दुपट्टा वगैरह देखिए काफ़ी अच्छा है। फिर आप इधर आएंगे तो ये सब जो भी ब्राइडल वाला जो बैग वगैरह लेते हैं वो सब है, यहाँ पे भी वुडन का सब कुछ है। अब पता नहीं मेरा भाई और मेरा फ्रेंड कहाँ गया, अभी मेरे को उनको ढूंढना होगा कहाँ गए वो लोग बेसिकली। तब तक गाइस ये सब देख लीजिए, यहाँ पे क्लोथ्स वगैरह भी है एंड काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में होगा फॉर श्योर। कैट दिस, आज का वेदर इज़ सो काम एंड प्रिटी एंड यहाँ पे आप लोग फोटोज़ वगैरह भी क्लिक कर सकते हैं, लाइक ऐसे थोड़ा सा पंडाल टाइप का बना हुआ है, वहाँ पर लिखा हुआ है तोसड़ी जातीय हस्तशिल्प मेला एंड यहाँ पे अंदर भी कुछ कुछ मिल रहा होगा। एंड गाइस लुक एट दिस, लाइक ये पूरा मैदान में जो कि हर जगह कुछ ना कुछ मिल ही रहा है। कैट दिस, ये पूरा पूरी का मटेरियल से लाइक चांदवा वगैरह मिल रहा है और ये मैं अच्छे से दिखा देती हूँ, ये रहा पूरी का पूरा आइटम, यहाँ पे प्रॉपरली चांदवा वगैरह मिल रहा है, पता नहीं कौन सा प्राइस में है बट आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए पूरा लाइक चांदवा का पूरा वैरायटीज़ है, मैं आप लोगों को थोड़ा दूर से दिखा देती हूँ, लाइक पूरी में जो कुछ मिलता है ना वो सब मिल रहा है, पूरा जगन्नाथ जी का यहाँ पे देख लीजिए और वहाँ पे ऊपर भी है, देख लीजिए पूरा ये सब आइटम। कितने तो बुकी गोटा बैग, मेरा भाई बोल रहा है एक बैग खरीद देगा मेरे लिए, कितने दिया था भाई। तो गाइस लुक एट दिस, बहुत ही प्यारा प्यारा कलेक्शन है यहाँ पे। एट दिस, यहाँ पे लाइक मिट्टी का पॉट वगैरह मिल रहा है, ये देख लीजिए बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइंस हैं, ये देख लीजिए। और ये रहा पूरा शॉप। गाइस ये था डिटेल अबाउट तोसली मेला का ब्लॉग एंड मैं ओवरऑल में से जितना हो पाया आप लोगों के साथ प्रॉपरली रिव्यू कर दी, क्योंकि गाइस एक एक शॉप का ना रिव्यू करना सो टफ नहीं हो पाएगा। बेसिकली यहाँ पे लाइक हर स्टेट का हर जगह का सारीज फूड वगैरह अवेलेबल है एंड काफी अफोर्डेबल है, कुछ कुछ चीजें थोड़ा प्राइसी है, तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे आइए एंड घूमिए, परचेस कीजिए। अभी आई गेस अप्रैल का 10th या 12th तक रहेगा और जैसे कि मैं आप लोगों को बताई थी कि आज काफी विंडी है। तो चले गए आज के ब्लॉग कहीं एंड करते हैं, अगर वीडियो पसंद आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। सो गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।